कोरिया जिले के ग्राम पंचायत ताराबहार के आश्रित ग्राम बैरागी में होली के तीसरे दिन अनोखी और रोमांचक खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें वन जीव जंतुओं के बीच प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम को देखने ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी, जिसमें बुजुर्ग बच्चे सहित महिलाएं भी सम्मिलित थी। कोरिया जिले में पिछले कई वर्षों से यह खेल प्रतियोगिता चली आ रही है। खुले मैदान में केकड़ा दौड़ का आयोजन हुआ। इस दौरान सबसे तेज दौड़ने वाले केकड़ा को विजेता घोषित कर सम्मानित किया गया। वहीं महिलाओं को मुर्गा, गिलहरी, खरगोश को पकड़ने की प्रतियोगिता हुई। ऐसी मान्यता है कि मुर्गा, गिलहरी, खरगोश को महिलाओं के पकड़ने से गाँव में अकाल नहीं पड़ती। अंत में ग्रामीणों ने मिलकर भोजन किया और फाग गाकर कार्यक्रम समाप्त किया। पुराना पहले बसिंदा, तब से ये काम हमारा चालू है। क्या क्या होता है इसमें? इसमें महिला लोग केकड़ा मछली और पुरुष लोग खरहा खरगोश। किस लिए किया जाता है ये? मनोरंजन कर लिए। इनका एक परंपरा है कि होली के बाद सारा गांव में एक जगह इकट्ठा होगा, केकड़ा दौड़, मछली दौड़ और मुर्गा दौड़, गिलहरी दौड़, खरगोश दौड़। ये प्रतियोगिता के बाद जो जीतता है, मतलब ये विजेता उपविजेता का खिताब मिलता है। उसके बाद सारा गांव बैठ के भोजन करते हैं सामूहिक रूप से, रंग गुलाल खेलते हैं, फाग गीत गाते हैं, उसके बाद लोग अपने अपने घर जाते हैं। इस खेल प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए, सभी ने इसका जमकर आनंद उठाया। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए कोरिया से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।